उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, वोटर्स को लुभाने के लिए नेता नए नए तरीके अपना रहे हैं और सबसे अहम है युवाओं को रोजगार देने जैसा मुद्दा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसी पर दांव खेला है। हरीश रावत ने कार्यक्रम का आयोजन करते हुए एक नंबर जारी किया जिस पर युवाओं को मिस कॉल करने के लिए कहा गया है। हरीश रावत का दावा है कि इसके जरिए बेरोजगार युवाओं की लिस्ट जारी की जाएगी और कांग्रेस की सरकार आने पर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में जो राजनीतिक दल है वो सारे जो उनके पास तीर हैं तरकस में वो निकाल रहे हैं। हरीश रावत जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सीएम भी हैं, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं, आज इन्होंने एक नया पोस्टर लॉन्च किया है। पोस्टर में एक नंबर दिया हुआ है। दरअसल इस नंबर के जरिए कांग्रेस एक कैंपेन चलाना चाह रही है और ये कैंपेन दरअसल युवाओं को टारगेट करता हुआ है। क्या है, किस तरह से इस पर कांग्रेस काम करेगी, बात करेंगे रावत साहब से। रावत साहब, क्या किस तरह से आप बेरोजगारी को दूर करने का ये प्लान आप लोग लेके आ रहे हैं? देखिए, युवा बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। हमने तय किया है कि हम एक क्रमबद्ध तरीके से बेरोजगारी को समाप्त करेंगे। उसके लिए सरकारी पदों को भरेंगे, 10% हर साल सरकारी पदों में वृद्धि करेंगे और जिन लोगों को सरकारी पद नहीं मिलेंगे उनको उद्यमिता के क्षेत्रों में काम पर लगाएंगे और जिन लोगों को वहाँ भी काम नहीं मिल पाएगा उनको न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देंगे। सर, महिला सशक्तिकरण और दलित और कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण महिलाओं का, ये हमारा विशेष प्रयास है। सर, एक नंबर आप लोगों ने लॉन्च किया है, क्या उस नंबर के बारे में बता सकते हैं, क्या है नंबर? ये नंबर है 9783370801। इस पे आप लोगों को युवा जो है वो कैसे संपर्क करेंगे, क्या इसके लिए कॉल रिसीव करने के लिए कोई स्पेशल टीमें बनाई हैं आप लोगों ने? इस पर मिस कॉल देंगे और उसके आधार पर मैं उनको धन्यवाद दूंगा और उसको उन नामों को अपने पास रख करके भविष्य की सरकार का जो लक्ष्य होगा उसको निर्धारित करेंगे। जो भविष्य की सरकार का लक्ष्य है वो निर्धारित करेंगे निश्चित तौर पे। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये चुनावी वर्ष है और जो तमाम कोशिशें हैं, चाहे युवाओं को रिझाने की हो या फिर मतदाताओं को अलग अलग तरह से रिझाने की, वो की जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरह से युवा कांग्रेस से जुड़ता है। कैमरामैन अमरीश भट्ट के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में महज 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है और राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इस जल जीवन मिशन की एक दूसरी तस्वीर भी है। देहरादून के दूधली और कैमरी गांव के लोगों को 1 रुपए में पानी का कनेक्शन तो मिल गया लेकिन आज तक उनके घरों में लगे नल से पानी नहीं आया। उल्टा कई लोग ऐसे भी हैं जिनका 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच पानी का बिल आ गया। अब ये लोग पानी का बिल लिए एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काट रहे हैं लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि 7,50,000 कनेक्शन देना बाकी है। उनका कहना है कि कुछ समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए भी काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे लूट करार दिया है।